तो हेलो गैस, तो कैसे आप सभी लोग। तो पर आ चुके हैं जी डी फाइव के कॉर्नर वीडियो के साथ अपने मॉडिफाइड इंडियन कार्स वर्सेस मॉडिफाइड सुपर कार्स की एक और नई खतरनाक वीडियो के साथ। और गैस, आज हम लोग करने वाले अपनी इन्हीं मॉडिफाइड कार्स के साथ वाटर टनल चैलेंज, जो कि काफ़ी मुश्किल होने वाला है आज, क्योंकि भाई आज हम लोग दोनों ही गाड़ी यूज़ करेंगे भाई वाटर टेस्ट। और गैस देखते हैं गैस आज का टेस्ट जो है भाई कैसा होने वाला है। तो कैसे, सबसे पहले जो भाई अपना ट्रैक है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ऑलराइट गैस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यार जो हमारी टनल है वो एकदम रेडी है। तो हम लोग करने के वाले हैं भाई जो अपनी गाड़ियाँ हैं, ये है अपना स्टार्टिंग पॉइंट। तो गैस यहाँ सीधा लेके जाने वाले हैं और इस पूरे पानी वाले एरिया को पार करके गैस जो भी अपनी गाड़ी यहाँ पे पहुँचेगी वो होगी अपने इस चैलेंज में विनर। तो गैस इतनी लंबी टनल को, अभी पानी वाली टनल को देखते हैं यार कौन सी गाड़ी पार कर पाती है। इसे काफ़ी मुश्किल होने वाला है और स्पेशली अपनी स्पोर्ट्स कार के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा स्पोर्ट्स कार की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम होती है, उनके ख़राब होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो देखते हैं गैस क्या होता है यहाँ पे। तो भाई जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं गैस कौन सी गाड़ी यहाँ पर इस टनल को पार कर पाती है। तो ऑलराइट गैस, यहाँ पर जो हमारी पहली गाड़ी है ये है अपनी मॉडिफाइड फरारी 488 क्रोम कलर में। और यहाँ पे बीच पे तो यार इसका जो लुक है वो एकदम खतरनाक लग रहा है। तो गाइस देखते हैं कि अपनी फरारी 488 यहाँ पे अपने टनल चैलेंज को कर पाती है कि नहीं। तो ऑल राइट यार, ये चलिए अपनी फरारी यहाँ पे। और गाइस काफ़ी बढ़िया तरीके से पानी को चीरती हुई जा रही है, स्पीड काफ़ी स्लो चुकी है इसकी। ओहो, वापस से बड़ी और निकल जाएगी क्या? और गाइस क्या बात है, यहाँ पे जो अपनी फरारी 488 स्पाइडर है अपनी मॉडिफाइड वाली, ये काफ़ी इजीली, भाई इजीली तो नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत ना यहाँ पे अपनी गाड़ी को दिक्कत आई जहाँ पे पानी गहरा हुआ है। लेकिन गाइस जो अपनी गाड़ी है यहाँ पे पहुँच चुकी है अपने फिनिश पॉइंट पे। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पे पार्क कर लेता हूँ। और अब आती बारी अपनी इंडियन कार की, तो भाई जल्दी से अपनी इंडियन कार को लेते हैं। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी मॉडिफाइड फॉर्च्यूनर लेजेंडर की। और भाई गोल्ड कलर में जो अपनी लेजेंडर है यहाँ पे देख, तो भाई कितनी ज़्यादा भाई बढ़िया लग रही। तो गाइस ले के चलते लेजेंडर को पानी के अंदर और देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट, ये चलिए पहुंचे लेजेंडर। और गाइस ग्राउंड क्लियरेंस की तो कोई भी इशू आना नहीं चाहिए यहाँ पे। क्या बात है, चल रही है, स्पीड काफी स्लो हो चुकी है। ओ नहीं, बन नहीं, गाइस काफ़ी आगे तक आ चुकी थी अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर यहाँ पे, लेकिन इतनी आगे आने के बाद यार ये बन पड़ गया। और भाई उससे बुरी बात यहाँ पे ना लहरें आ रही, क्योंकि भाई समंदर वाला एरिया और भाई लहरों पे तो भाई मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो गाइस यहाँ पे देखते हो अपनी फॉर्च्यूनर यार इधर बंद पड़ चुके, तो मैं इसको जल्दी से यहाँ से हटा देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी एक और मॉडिफाइड सुपर स्पोर्ट कार की, और ये है गाइस अपनी बुगाटी। और देखते हैं गाइस अपनी बुगाटी यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। ऑल राइट, ये चलिए अपनी बुगाटी यहाँ पे, और ये घुसी पानी के अंदर और लहरों को भाई कितनी ईजिली भाई चीरते हुए पहुँच गई है। ओए बच गई यार, भी फिनिश पॉइंट पे लड़ जाती यार, ये काफ़ी लड़ भी गई थी। तो गाइस यहाँ पे जैसे भाई बुगाटी जो भाई पानी को बहुत ही तेज़ी से चीरती हुई आई, मतलब पानी का तो कोई असर हुआ ही नहीं इस पे यार, लहरों को तो भाई एकदम से काटती हुई आ गई। तो गाइस यहाँ पे अपनी एक और सुपर कार पहुँच चुकी है, और मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे ना उल्टा हो रहा है, अपनी जो इंडियन कार थी वो नहीं आ पाई, लेकिन दो सुपर कार जो है भाई यहाँ पे पहुँच चुकी हैं ऑलरेडी। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी मॉडिफाइड थार की। और भाई थार तो आप लोगों को पता होगा ये पहले से यार अपनी ऑफ रोडिंग किंग है, और गाइस मॉडिफिकेशन के बाद तो भाई ये आतंक मचाने वाली है यहाँ पे। तो गैस ले कर चलते अपनी थार को, देखते हैं गैस भाई थार यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। ओहो भाई आगे से उठ रही है पूरी गाड़ी अपनी। ओ भाई क्या पावर है थार में, गैस थार जो भाई पूरी आगे से उठी जा रही थी। और गैस अपनी महिंद्रा थार यार ये भी पहुँच चुकी है फिनिश पॉइंट पे, तो मैं इसको भी जो है भाई जल्दी से यहाँ पे पार्क कर दो। भाई अपनी पहली गाड़ी है जो कि भाई अपनी फिनिश पॉइंट तक पहुँची अपनी इंडियन कार, तो मैं इसको यहाँ पे ना जल्दी से पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी सियान की, और देखते हैं गैस अपनी सियान है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और ये चलिए गैस लैम्बोर्गिनी सियान यहाँ पे, और भाई ये गाड़ी के लिए तो पानी काफ़ी अलग रहा है, गाड़ी अपनी स्टार्ट है अभी भी। क्या बात थी, अब तो गैस अपनी सियान यहाँ पे बंद भी हो चुकी है। और गैस देख तो गैस ज़्यादा अंदर तक नहीं आ पाई है टनल के, काफ़ी पहले ही बंद हो गई है। तो जल्दी से मैं अपनी सियान को भी यहाँ पे यार बाहर कर दूँ, कि भाई अपनी ये वाली गाड़ी तो यार फेल हो चुकी है अपने इस चैलेंज में। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी एक और गोल्ड इंजन कार की, और ये है गैस अपनी महिंद्रा बुलेरो। और देखते हैं गैस वही बुलेरो है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है, और ये चलिए गैस मॉडिफाइड बुलेरो यहाँ पे, देखते हैं गैस बुलेरो की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली। हो आगे से उठ रही गैस बुलेरो भी यहाँ पे, क्या बात है गैस अपनी देसी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस थी वो आपने देखी होगी, कितनी ज़्यादा भाई एकदम बढ़िया स्पीड में चाहिए। तो क्या स्पीड भी इसकी काफ़ी स्लो नहीं हो रही थी यहाँ पे, तो मैं जल्दी से अपनी महिंद्रा बुलेरो को भी यहाँ पे पार्क कर दूँ। भाई मतलब ग्राउंड क्लियरेंस का तो भाई जो एडवांटेज है वो यहाँ पे ज़रूर मिल रहा है अपनी इंडियन कार्स को, तो मैं जल्दी से इधर इसको पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी एक और सुपर स्पोर्ट कार की, और यह गैस अपनी फोर्ड मस्टैंग जीटी अपने क्रोम कलर में फुली मॉडिफाइड वाली, तो इसको भी लेके चलते हैं। और ये चलिए गैस अपनी फोर्ड मस्टैंग जीटी यहाँ पे पानी के अंदर। ओहो भाई कुछ ज़्यादा ही पावर है यार, भाई ये गाड़ी को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो गया। और गैस ये क्या,
गाड़ी जो है भाई अपनी बंद भी पड़ गई और साथ ही साथ पलट भी गई है। मतलब कि इतनी ज़्यादा मतलब कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी गाड़ी, एकदम जैसे पागल हो गई क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा पावर है। और यहाँ पे इंजन में भी पानी घुस गया साथ ही साथ, तो कैसे गाड़ी भी अपनी इधर बंद पड़ चुकी, तो कैसे यहाँ पे अपनी फोर्ड मस्टैंग GTBR में चैलेंज में आउट हो गई है। तो कैसे बारी आती है यहाँ पर महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 की, मॉडिफाइड वाली अपनी स्कॉर्पियो है ये गोल्ड कलर में और काफ़ी बढ़िया लग रही। तो भाई ये चलिए अपनी स्कॉर्पियो S11 और देखते हैं क्या होता है। क्या बात है अपनी स्कॉर्पियो S11, ओह उठ गई ये भी आगे से। और कह जो अपनी स्कॉर्पियो S11 है यहाँ पे काफ़ी इजीली पहुँच गई है यार, काफ़ी इजीली पहुँच गई। तो मैं जल्दी से अपनी स्कॉर्पियो S11 को भी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। गैदा पारी आती है यहाँ पे अपनी एक और सुपर स्पोर्ट कार की, अपनी निसान GTR की, और जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस यार वो देखो कितनी ज़्यादा कम है। तो मुझे मुश्किल लग रहा है इस गाड़ी के निकल पाना। कोई नहीं, लेके चलते हैं अपनी निसान GTR को और देखते हैं क्या होता है। ओ आगे से उठ रही है अपनी GTR, ओ भाई क्या बात है। ओ बंद नहीं बंद नहीं बंद नहीं बंद नहीं, और नहीं गाइस यहाँ पे अपनी GTR की स्पीड काफ़ी ज़्यादा धीमी हो गई थी यार, मतलब पानी कोई चीर नहीं पा रही थी उस हिसाब से। तो गाइस यहाँ पे अपनी निसान की GTR भी और उस पर जा नहीं पाई और अपनी ये वाली गाड़ी भी यार अपने चैलेंज से आउट हो गई है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ अपनी मॉडिफाइड स्कॉर्पियो N की, और देखते हैं गाइस अपनी मॉडिफाइड स्कॉर्पियो N यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर देंगी। जो अपनी स्कॉर्पियो S11 है यार वो तो अपना चैलेंज कर चुकी है। तो ऑलराइट यार ये जो अपनी स्कॉर्पियो N यहाँ पे और ये घुसी पानी के अंदर, उसकी भी स्पीड काफ़ी कम नहीं हो रही, मतलब बिल्कुल भी कम नहीं। और भाई काफ़ी आराम से अपनी स्कॉर्पियो N है ना यहाँ पे निकल चुकी है। और भाई ऊंची गाड़ी में ऐसा था गाइस ऐसा पानी काफ़ी कम है, क्योंकि यार ये गाड़ी इतनी ज़्यादा ऊंची है ना कि भाई पानी तो इसको मतलब छू भी नहीं पा रहा है यहाँ पे। तो मैं जल्दी से अपनी स्कॉर्पियो N को भी इधर पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी काफ़ी महंगी सुपर कार की, और ये है गाइस अपने रोल्स रॉयस। और गाइस भाई रोल्स रॉयस है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और भाई ये गाड़ी जो है पूरी पूरी ऊपर से खुली हुई है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। और लाइट ये चलती है रोल्स रॉयस यहाँ पे, और क्या बात है काफ़ी सही जा रही है अभी तक। और यहाँ पे एक और बड़ी लहर और पहुँच जाएगी क्या। ऑल राइट गाइस जब अपनी रोल्स रॉयस है यहाँ पे पहुँच चुकी है अपनी फिनिश पॉइंट, मतलब कि इतनी स्लो हो गई थी जिसकी स्पीड मुझे लग रहा था एक टाइम पे शायद से अपनी रोल्स रॉयस यहाँ पे ना पहुँच पाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अपनी रोल्स रॉयस भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो मैं इसको भी जल्दी से इधर पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी महिंद्रा की XUV700 की, अपनी मॉडिफाइड XUV700 गोल्ड कलर में, तो इसको भी लेके चलते हैं अब। और राइट ये चलिए महिंद्रा की XUV700 यहाँ पे, पानी को देख रहे हो क्या ही चीरती जा रही है। ओहो क्या बात है क्या बात है गाइस, यहाँ पे जो अपनी XUV700 है यार क्या ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है यार इसने। तो मैं जल्दी से अपनी XUV700 को भी यार यहाँ पे पार्क कर देता हूँ यार, मतलब ये गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त थी, मतलब कि इसकी स्पीड जो है ना ये पानी में बिल्कुल भी स्लो नहीं हो रही थी। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ अपनी सुपर SUV की, और गाइस ये है अपनी मर्सिडीज़ की G-Wagon, और देखते हैं गाइस भाई G-Wagon है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है। और लाइट यार ये वाली गाड़ी काफ़ी ऊँची, तो मैं लग नहीं रहा कि इसको प्रॉब्लम होनी चाहिए। और गाइस जो अपनी G-Wagon है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है। ओहो आवाज़ सुनी यार इसकी, क्या बात है गाइस अपनी G-Wagon तो यार काफ़ी ख़तरनाक तरीके से यहाँ पे आई है, मतलब इंजन की जो साउंड थी यार ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही थी यार इसकी। और लाइट गाइस अपनी G-Wagon है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। ओह बच गई भाई, अपनी फरारी को भी मैं ठोक देता हूँ यहाँ पे, तो मैं जल्दी से इसको भी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी टाटा हैरियर की, और देखते हैं गाइस जो हमारी टाटा हैरियर है वो यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और लाइट ये चलिए मॉडिफाइड टाटा हैरियर यहाँ पे काफ़ी ऊँची गाड़ी में, लग रहा है इसको प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओहो भाई ये भी आगे छूट रही है गाइस, ओह भाई क्या बात है। ओ काफ़ी ज़्यादा बड़ी लहर, और यहाँ पे अपनी टाटा हैरियर का जो खेल है वो ख़त्म हो चुका है। और मैंने आप लोगों को बताया था भाई लहर पे किसी का भी बस नहीं चलता भाई, समुद्र की लहर को कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। तो कैसे यहाँ पे अपनी टाटा हैरियर का ये तो अपने चैलेंज से आउट हो चुकी है। तो कैसे अब बारी आती है यहाँ पे अपनी बेंटले की, और देखते हैं गाइस अपनी मॉडिफाइड बेंटले है यहाँ पे क्या अपनी टनल को पार कर पाती है या फिर नहीं। तो राइट गाइस ये चलिए अपनी बेंटले यहाँ पे और देखते हैं क्या होता है। और इधर तो पानी गायब है और यहाँ पे काफ़ी सारा पानी है, और एक और बड़ी लहर स्टार्ट है, गाड़ी स्टार्ट है, चल चल चल। ऑल राइट गाइस जो अपनी बेंटले है, नहीं यार ये क्या हुआ गाइस, अपनी बेंटले यहाँ तक पहुँच के बंद हो गई, मतलब कि यार रैंप अब तो यहाँ पे पानी भी नहीं आना था, लेकिन गाइस
मेरे हिसाब से क्या हुआ कि यार गाड़ी के अंदर पानी घुस गया था जब ये गहरे पानी में थी, और मोमेंटम की वजह से यार ये सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाई है। तो गाइस यहाँ पे अपनी जो बेंटले है यार ये तो फेल हो गई है टेक्निकली, क्योंकि भाई अपने फिनिश पॉइंट पे तो ये पहुँच ही नहीं पाई थी, रैंप पे अटक गई। वैसे बोलते वक्त काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुँच गई थी अपनी गाड़ी, लेकिन यार फिनिश पॉइंट तो नहीं पहुँच पाई। मैं जल्दी से अपनी बेंटले को भी यहाँ पर हटा देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है अपनी मॉडिफाइड बीस्ट कार की, और यह गाइस अपनी फोर्ड की एंडेवर, काफ़ी भारी भरकम गाड़ी। और ये चली गाइस मेरी एंडेवर यहाँ पे, और पावर गाइस देखो अपनी एंडेवर की, पानी ओ क्या बात है गाइस, यहाँ पे अपनी एंडेवर को तो भाई कोई रोक ही नहीं सकता है गाइस, इतनी ज़्यादा पावर से जा रही थी। तो गाइस यहाँ पे अपनी फोर्ड की एंडेवर है ये भी पहुँच चुकी है अपने फिनिश पॉइंट पे। और गाइस यहाँ मैंने आपको बताया था भाई इतनी इंडियन कार्स के पास यार मतलब एक अपर हैंड है, क्योंकि भाई की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अपनी सुपर कार्स पीछे हैं, भाई उनके पास भी एक अपर हैंड है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर और पानी को काफ़ी इजीली भाई वो लोग चीर के निकल आती हैं यहाँ पे। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी एक और तेज तर्रार सुपर कार की, और ये है गाइस अपनी ऑडी R8। और भाई काफ़ी चौड़े टायर अपनी ऑडी R8 का, मॉडिफिकेशन वाज पावर अपनी ऑडी R8 की भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ये चलिए गाइस अपनी ऑडी R8 यहाँ पे, ओ भाई यार ये चीज़ तो होती है अपनी सुपर कार से, इनको बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ओहो क्या ही स्पीड से आई अपनी ऑडी R8 यहाँ पे, मैंने इसी चीज़ की बात की थी यार, ये वाली गाड़ी ना पानी को ज़्यादा तेज़ से चीरती है, और गाइस जैसी पावर आती है ना यार ये तो भाई अभी उड़ने ही वाली थी गाड़ी, मैंने कैसे करके कंट्रोल किया इसको। मैं जल्दी से यार अपनी ऑडी R8 को भी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी किया सेल्टॉस की, और देखते हैं गाइस भाई किया सेल्टॉस यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और राइट ये चले भी किया सेल्टॉस यहाँ पे, और ये गाड़ी 4x4 नहीं है तो हो सकता थोड़ा बहुत इशू आए इस चीज़ का, और आ भी रहा है, और गाड़ी अपनी बंद नहीं हुई अभी भी। ओ काफ़ी बड़ी लहर, गाड़ी अभी भी स्टार्ट है, और नहीं अब जाके जो अपने किया सेल्टॉस है यहाँ पे बंद पड़ चुकी है। और एक चीज़ है यार यहाँ पे जो भी गाड़ी तेज़ी से निकलती है ना वो ही निकल पाती है, क्योंकि अगर गाड़ी स्लो जाती है ना तो उसको ज़्यादा लहरों को फेस करना पड़ता है कंपैरेटिवली भाई गाड़ी तेज़ जाने के। तो गाइस यहाँ पे जिस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है ना मैं देख रहा हूँ वो निकल जा रही है, लेकिन जिस गाड़ी की स्पीड धीमी रह जा रही है उसको तो भाई लहरों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो गाइस अपनी किया सेल्टॉस है ये भी ना अपने चैलेंज में आउट हो चुकी है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी पोर्श की, और देखते हैं गाइस हमारी पोर्श है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और लाइट ये चल रही पोर्श यहाँ पे मॉडिफाइड, और क्या ही स्पीड से जा रही है, क्या बात है यार भाई, गाड़ी पूरी पूरी आगे से उठ जा रही है, और रुक जा, ओह क्या ही स्पीड से अपनी पोर्श ने यहाँ पे अपना चैलेंज किया है यार, क्या बात है। आपने जो पोर्श यार ये भी पहुँच चुकी है अपने फिनिश पॉइंट पे, तो मैं इसको भी यहाँ पे जल्दी से पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी टाटा सफारी डाइकोर, अपनी ओल्ड इज गोल्ड भाई कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस में कोई भी कमी नहीं हो, और एक्चुअल में गाड़ी गोल्ड है क्योंकि मॉडिफाई कर रखी है हमने। तो लेकर चलते हैं अपनी टाटा सफारी डाइकोर को, और देखते हैं गाइस इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और ये चली गाइस अपनी टाटा सफारी डाइकोर, और पानी को काफ़ी चीरती हुई जा रही है, ओहो गाइस कितनी ऊपर तक उड़ गई थी ये गाड़ी अभी। और लाइट गाइस यहाँ पे जो टाटा सफारी डाइकोर है ये भी पहुँच चुकी है अपने फिनिश पॉइंट पे, तो मैं इसको भी जहाँ जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। और लाइट ये हो गया अपनी डाइकोर भी यहाँ पे पार्क। गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपने मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी सियान की, और गाइस अपनी सियान यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और लाइट गाइस ये चले अपनी लैम्बोर्गिनी सियान यहाँ पे, और देखते हैं इसकी जो परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ओहो क्या बात है गाइस सियान यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्पीड से गाइस जो अपना चैलेंज है वो कर चुकी है, तो मैं इसको भी जो है जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। और ये पार्क हो गई अपनी सियान भी यहाँ पे, तो ये हो गई पार्क। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी आखिरी इंडियन कार की, यह गाइस अपनी मॉडिफाइड होंडा सिटी, और इतनी गाइस अपनी सिटी यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर, जैसे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, तो देखते हैं क्या होता है। ओहो नहीं यार इसकी स्पीड तो काफ़ी स्लो हो रखी है अभी से ही, और नहीं गाइस यहाँ पे अपनी सिटी यार ये तो अपना चैलेंज नहीं कर पाई, क्योंकि भाई एक तो गाड़ी यार 4x4 नहीं, और साथ ही साथ काफ़ी नीचे, और साथ ही साथ इसमें यार वो पावर तो नहीं आ पाई है मॉडिफिकेशन बार भी जो कि अपनी बाकी SUV कार में आई, इसी चीज़ का इंजन भी काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पे गाइस अपनी होंडा सिटी यार ये भी ना अपने चैलेंज में हो जाती है फेल। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपने फाइनल रिजल्ट्स की, कि भाई कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा आई हैं। तो गाइस पहले सुपर कार्स को काउंट करते हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है भाई अपनी सुपर कार्स आई हैं, और अगर इंडियन कार्स की बात की जाए तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही भाई इंडियन कार्स आई हैं। तो यहाँ पे यार हो चुका है इस बार टाई, और देख सकते हो गाइस टाई हो गया भाई, सारी गाड़ियाँ बराबर आई हैं यहाँ पे। तो भाई उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय, टेक केयर।